दोस्तों नमस्कार, मैं डीपी साउसर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूले, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारी वीडियो का लाभ लेते रहें। दोस्तों चलिए आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं क्या है कि 3, 21, 5, 7 है ना, इनमें संक्रियता करेंगे अगल बगल आमने सामने से करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि 3 और 21 को मैं जोड़ दूं, है ना, 3 और 21 को मैं जोड़ दूं, साथ में 5 और 7 को भी इसमें जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो कितने हो गए देखते हैं, 7, 5, 12 और 12 और 21 हो गए हमारे 33, 3, 36, है ना। और इस 36 को मैं क्या करूँगी, 18 जाएगा आधा, है ना, तो आ गए हमारा 18, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह यहाँ भी देखते हैं इन सभी को जोड़ देते हैं, तो 4 और 27 धन 6 धन 9, है ना, तो ये हो गए हमारे 31, 6, 37, 37 और 9 हो गए हमारे 46, ठीक है दोस्तों। 46 का हम आधा करेंगे, है ना, तो कितना आता है, 46 का आधा 23 है ना, यहाँ भी आ गया हमारा 23, सेम यहाँ भी लागू करेंगे। चलिए देखते हैं तो यहाँ पर मैं क्या जोड़ू, मान लो मैं 1 से बोल दूं या ऐसे जोड़ लेते हैं, 33 और 6 कितना हो गया हमारा 39, 39 में 11 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा और ये, है ना, और 10 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 में मैं क्या जोड़ दूं, है ना, उसका आधा करूंगा तो क्या आ जाए हमारा 27 आ जाए, ठीक है। तो 50 में क्या जोड़ू कि उसका आधा करूं 27 आ जाएगा, तो 50 में क्या जोड़ देंगे हम 4 54 हो जाएगा, है ना, और 54 का आधा कितना हो जाता है हमारा 27, कितना हो जाता है 27। इस तरह से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों, 4, है ना, ठीक है दोस्तों। चलिए आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों प्रश्न हमारा आ गया, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। ये जो चक्र बना हुआ है यहाँ पर एक जगह छूटा हुआ है, इसी को हमें ज्ञात करना है। देखते हैं क्या हुआ, इस पैटर्न कौन सा लागू हुआ होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज चलना पड़ता है इसमें, या है ना ऐसा, है ना, चलते हैं। देखो तो यहाँ पर देखो 25 है, 27 हो गया, है ना, फिर कम हो गया 23 हो गया, फिर 37 हो गया बढ़ गया, फिर है ना कम हुआ फिर बढ़ गया, मतलब एक में जुड़ा होगा एक में घटा होगा, है ना। चक्र को देखेंगे तो क्या दिखता है यहाँ पर कि अगर 25 में, है ना, 27 से 30 हो गया, है ना, 21 से 33 से ऐसा कुछ हुआ है, देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये हो गया हमारा 25 से हम जाते हैं सीधा 23 के पास, है ना, तो क्या कि इसमें 2 कम कर दिए दोस्तों, ठीक है, है ना। चलिए फिर देखते हैं यहां से अब, है ना, अब क्या हुआ होगा 27 से, है ना, 27 से चलते हैं हम, 27 में हम क्या कर देंगे कि 30 हो जाए, 3 जोड़ देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, फिर 23 के पास आ गए, 23 में हम फिर क्या करते हैं, यहां से 2 कम करेंगे तो 21 आ गया, है ना, क्या करेंगे 2 कम करेंगे तो 21 आ गया, है ना। फिर आ गया हमारा 30 के पास, अगर 30 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे, है ना, प्लस 3 कर देंगे तो आ गया हमारा 33, 30 में जोड़ेंगे 3 तो 33 आ गया। इसी तरह अब क्या करेंगे हम, कहां से कहां आ गए हम, 30 के पास हो गए, 21 के पास आ गए, 21 में हम क्या करेंगे 2 कम करेंगे, 21 में 2 कम करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 19, क्या जाएगा यहां से 19। उसके बाद 33 में आ गए तो 33 में क्या करेंगे हम 3 जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गए हमारा 33 और 3 36, है ना। तो इस तरह ये जो लुप्त संख्या क्या आ गई हमारे यहाँ पर 19, है ना। तो पहले हमने 25 में क्या किए 2 कम किए, है ना, फिर 27 में क्या किए 3 जोड़ दिए, है ना, फिर 23 में क्या किए फिर 2 कम किए फिर जोड़ दिए, तो ये हमारा सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। इस तरह हमारा आंसर जो क्या आया 19 आया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न और चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 1, 2, 3 ग्रिड दी हुई है। चलिए देखते हैं कि इन, है ना, बाहर बाहर में अंक संख्याओं में क्या संक्रियाएं लागू हुई, तो आया 38, है ना, ये मिसिंग है इसलिए से बोल सकते हैं, यह ना इनमें वही संक्रिया लागू करनी है ना, इनमें क्या संक्रिया लागू किए हैं तो 18 आया है, ठीक है। तो देखते हैं ऐसे ग्रिड के लिए क्या करेंगे, 8 और 6 का गुणा कर देते हैं दोस्तों, मैं यहां बना रहा हूं देखिएगा। चलिए यहां पर देखते हैं कि 8 और 6 का गुणा कर देंगे, है ना, 8 और 6 का गुणा करेंगे कितना गया हमारा 48, 8 6 का 48 आया दोस्तों, ठीक है, और उसमें 38 आया है, है ना। तो देखते हैं कि ये 5 और 2 गुना कर देते हैं, है ना, तो 5 × 2 करेंगे तो 5 × 2 कितना हो गया 10, और इनको घटा देंगे तो कितना गया हमारा 38, ठीक है फ्रेंड्स, है ना, अंदर का 38,
इसी तरह यहां देखते हैं अप्लाई करके, है ना। तो ये इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो 5 × 2 है ना, तो सॉरी 5 × 10 या 10 × 5 है ना, कितना हो गया हमारा 50 हो गया, है ना, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे अब अगल बगल की ये दोनों गुणा करेंगे, है ना, तो ये हो गया हमारा 8 × 4, 8 तो कितना होता है हमारा 32, इनको घटा देंगे कितना जाता है 18, है ना, ये भी आ गया हमारा 18। देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, चलिए तो 12 × 4 करेंगे, है ना फ्रेंड्स, 12 × 4 और 12 चौक कितना हो जाता है हमारा 48, है ना, और उसमें 13 × 3 करके घटा देंगे तो 13 × 3 कितना होता है 39, ठीक है, 12 × 48 में 39 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आ गया हमारे यहाँ से 9। तो इस ग्रिड के, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया हमारा 9, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों प्रश्न है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, है ना, तो यहाँ देखते हैं कि 64 × 34, ठीक है, आया है 32, है ना, और 84 × 42 बराबर आया है 41, इसी तरह 64 × 46 बराबर आया है 33, तो यहाँ पर 26 × 26 बराबर क्या आएगा, है ना, पता करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है कि 32 आया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम 6 का आधा कर दें तो आया है 3, है ना, और दोनों में 4 है ना, दोनों में यहाँ पर 4 अलग है, तो है ना, यहाँ पर 4 है 2000, है ना, इनको देखते हैं, तो यहाँ पर अगर 4 है तो इस 4 को लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले देखते हैं यहाँ पर हम 6 को आधा कर दें, है ना, आधा मतलब भाग दे 2 से, है ना, तो आया 3, ठीक है। अब इस 4 को, है ना, 34 के इकाई अंक को भाग करे जो कि 4 है हमारा, भाग करे 2 से तो आएगा हमारा 2, ठीक है। यहाँ देखते हैं इस 8 को हम भाग देंगे किससे, 2 से, है ना, तो वो कितना गया हमारा 4। अब इस 42 की इकाई अंक 2 को हम भाग करेंगे किससे, 1 से, सॉरी 2 से, है ना, तभी तो 1 आएगा, ठीक है। ये भी आगे बढ़ते हैं 64 में 6 को, है ना, ढाई अंक 6 को हम भाग करेंगे 2 से, है ना, भाग 2 से भाग करना मतलब आधा करना, आधा कर दीजिए, 6 को आधा कर देंगे 2 से भाग कर देंगे तो आएगा हमारा 3, है ना। सेम पैटर्न यहां भी लागू करके देखते हैं दोस्तों। चलिए इस 2 को, है ना, ढाई 2 को हम भाग करेंगे किससे, 2 से, तो कितना जाएगा यहां से 1, है ना। अब इस इकाई 26 की इकाई 6 को हम भाग करेंगे 2 से, है ना फ्रेंड्स, तो कितना जाएगा यहां से 3, ठीक। इस तरह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया हमारा 13, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों प्रश्न आ गया, बेमेल पहचानिए, है ना, J17V5S9L15 में हमें बेमेल क्या है पहचाना है। उम्मीद है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, है ना, ये बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए देखते हैं इसमें अलग कौन है ना। तो यहाँ पर हमें जब भी अल्फाबेटिक वर्णमाला देना तो उसका पोजीशन पहले पता रहना चाहिए, है ना, तो पोजीशन का क्रम एम एम तक 13 होता है, उसके बाद है ना बीच बीच का एजोटी याद रख लीजिएगा, है ना, ई जोटी, है ना, ये सब याद रखने से आपको क्या है 5, 5, 15 ऐसा चलता रहता है ना, हाँ ठीक है, इनके क्रम को याद रखिएगा। चलिए उसमें नहीं जाते हैं, देखते हैं इनका सोल्यूशन क्या होता है। तो मैं J17, तो J का अल्फाबेट में स्थान कितना है हमारा 10, कितना पोजीशन आता है 10, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर 17 लिखा है तो 17 तो नहीं आता है, उसका पोजीशन नहीं है, लेकिन 17 को मैं जोड़ दूं इसमें तो कितना हो गया हमारा 27, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह यहाँ पर V15 है ना, सॉरी V5, तो यहाँ पर V का वर्णमाला पोजीशन कितना है 22, है ना, और इसमें 5 जोड़ देता हूँ तो ये भी हमारा क्या हो रहा है 27 हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ जाते हैं, यहाँ देखते हैं कि L का वर्णमाला पोजीशन क्या होता है 12, और उसमें जोड़ देते हैं हम कितना 15 को, है ना, तो ये भी हमारा योग 15 और 12 कितना हो गया हमारा 27। इसी तरह यहाँ भी पहुँचते हैं हम कि इसमें S का पोजीशन वर्णमाला कितना है हमारा 19, है ना, 19 में 9 जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये 19 और 9 कितना हो गया हमारा 28, है ना, तो इनका भी योग 27 आया, ये भी 27 है, ये भी 27 है, अब ये 28 आ रहा है, तो हमारा बेमेल कौन हो गया S9 ऑप्शन 3, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों प्रश्न आ गया हमारा, सांकेतिक भाषा में 786 को लिखा गया है मुझे सेब दो, 958 का अर्थ है ताजा सेब छिलो, 645 का अर्थ है ताजा फल दो, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हल करने के लिए हमें समीकरण जैसा लिख लेना है, है ना, तो मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में 786 को क्या बोलेंगे हम, मुझे सेब दो, ठीक है, और 958 को क्या लिख लेंगे हम,
ताजा सेब छीलो, ठीक है फ्रेंड्स, ताजा सेब छीलो। इसी तरह 645 को हम क्या लिख लेंगे, ताजा फल दो, है ना। अब समीकरण एक और दो ऐसे मान के हल करेंगे तो इन दोनों में देखते हैं कॉमन कौन है हमारा, 8, ठीक है। 8 को मैं ग्राउंड मार देता हूं, इधर कॉमन कौन आ गया, सेब, तो 8 का मतलब क्या निकल गया, लिख देते हैं यहां पर, 8 का मतलब क्या हो गया हमारा, सेब हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में कॉमन कौन है हमारा, 5, है ना, 5 कॉमन है। इधर कौन कॉमन है देखते हैं, तो ताजा कॉमन है, ठीक है। तो 5 का अर्थ क्या हो गया हमारा, ताजा, है ना फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं, चूंकि हमें क्या करना है मुझे, है ना, तो और देखते हैं अब इन तीसरे और पहले को देखते हैं, इनमें से कॉमन कौन है हमारा, छठवा वाला, ठीक है फ्रेंड्स, इनको मैं ऐसा करता हूँ, छठवा कॉमन है, तो इधर कॉमन कौन हो गया हमारा, 2 कॉमन, है ना। तो 6 का अर्थ क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है मुझे, तो इसी में मुझे आया है ना, तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो बच गया क्या हमारा, मुझे के लिए कौन सा आएगा, 7। तो हमारा जो मुझे के लिए कौन सा संकेतक प्राप्त होगा, हमें 7 प्राप्त होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ऐसे ही और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, सांकेतिक भाषा में 927 का अर्थ है LWG, है ना, 731 का अर्थ है WBY, 549 का अर्थ है MVG, है ना फ्रेंड्स। तो देखते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन बनाया वैसे देखते हैं, यहाँ पर पहले और दूसरे को देख लेते हैं, ठीक है। इनमें कॉमन क्या है हमारा, 7, है ना, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ भी कॉमन क्या है देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा कॉमन क्या है, W, है ना। तो 7 का मतलब क्या हो गया, W, ठीक है, वही तो ज्ञात करना था, तो उसका संकेत क्या जाएगा हमारे यहाँ पर, 7, ठीक है दोस्तों, एक आंसर मिल गया। इसी तरह हम इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या है, कोई कॉमन है क्या, नहीं दिख रहा है ना कॉमन, 7, 5, 3, 4, 1, 9 कॉमन नहीं दिख रहा है, छोड़ देते हैं। अब बढ़ते हैं पहले और तीसरे को, ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, 9, है ना, तो इधर भी कॉमन क्या है देख लेते हैं इन दोनों में, ये जी कॉमन है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से 9 का कॉमन आ गया जी, है ना, और हमें पता करना है एल का, तो इसमें इसका भी मिल गया संकेतक, इसका भी मिल गया, तो हमारा बचा क्या, एल, एल का क्या रहेगा फिर, 2, क्या रहेगा, 2, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए प्रवाह में, है ना, इस ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 से 16 बना है, मतलब 4 का वर्ग 16 हो गया, उसके बाद 11 बना है ना, ठीक है, तो और तो आगे नहीं बढ़ सकते, जोड़ते हुए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना, फिर अंकों को जोड़ेंगे, है ना, या घटा के देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, तो हमारा 4 का वर्ग है ना, 4 जो है उसका वर्ग कर दिए, तो 4 का वर्ग कितना गया हमारा, 16, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये बन गया सेकंड, है ना। अब थर्ड जो बनेगा क्या बनेगा, कि 11 चाहिए हमें, तो यहाँ पर अंकों के योग को देख लेते हैं, 4 धन 1 धन 6, है ना, तो 4 धन 1 5 और 1 और धन 6 करेंगे तो हो गया हमारा 11, ठीक है दोस्तों, आया 11 ना हमारा। आगे और बढ़ते हैं, तो 8 है उस, फिर 8 का हमने वर्ग कर दिया, तो क्या आ गया हमारा, 8 64, है ना, फिर 64 में अंकों को तीसरा गिद्ध जो चाहिए हमें, तीसरा स्तंभ चाहिए, उसमें अंकों को जोड़ेंगे, तो ये 8 हो गया प्लस 6 प्लस 4, है ना, 8 धन 6 14 14 और 4 कितना हो गया हमारा, 18, ठीक है दोस्तों, ये दूसरा भी आ गया। तीसरा गिद्ध पहुंचते हैं तो 9 में, है ना, 9 का वर्ग कर देंगे, तो 9 का वर्ग कितना हो गया, 9 का वर्ग हो गया 81, है ना, तो तीसरा गिद्ध क्या मिलेगा हमें, अंकों का योग 9 8 1, है ना, पूरे के अंकों का योग करेंगे तो 9 8 17 1 18, तो ये कितना आएगा हमारा, 18 आएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आज का छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिए, और जितना हो सके आपके दोस्त यारों को, है ना, शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।